नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। आज की वीडियो क्लास 8 संस्कृत के बच्चों के लिए है। यह आपका अष्टमा पाठ है और इस पाठ का नाम है ग्राम्य जीवनम, यानी गांव का जीवन। चलिए, इस पाठ में यह बताया गया है कि गांव का जीवन कैसा होता है, तो शुरू करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, यानी गाँव का जीवन कैसा होता है, सुव्यवस्थित होता है। ग्राम्य प्रायेण सर्व स्वस्था भवन्ति, गाँव में प्राय जो होते हैं हमेशा ही सभी स्वस्थ रहते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति, यानी वनों में और नगरों में इस तरह का जीवन नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामः वन नगरयोः मध्ये सन्ति, इसीलिए गांव जो होते हैं वह वन और नगर के मध्य में स्थित होते हैं। ग्रामीणः जनः प्रायेण कृषिवालः भवन्ति, गांव में जो लोग होते हैं वह प्राय कृषिवाला भवन्ति, यानी कि कृषि करने वाले होते हैं। ठीक, आगे है ते च प्रातःकालात् सायावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, वे प्रातःकाल से लेकर के साय तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम किया करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तु वारणा पूर्णः कुल्या, खेतों के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियां होती हैं। कुल्या माने नालियां, आपने देखा होगा खेतों के अगल बगल में जो पानी चलता है उनको यहाँ कुल्या बोला जाता है। कृषकः क्षेत्राणि हलेन कृषयन्ति, कृषक जो होते हैं वह अपने खेतों में हल चलाते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचति, नहरों के जल से उन्हें सींचते हैं। ठीक है, आगे तत्र बीजनि वपन्ति च, और बीजों को बोते हैं। तो ये जो होता है उनका काम होता है। आगे है ग्रामान परतः शस्य श्यामला धारित्री राजते, गांव के चारों तरफ फसलों की हरित भूमि होती है। शस्य श्यामला माने हरियाली होती है। परिश्रमशीलः ग्रामीणः धन्य धान्यकम् उपादयन्ति, जो परिश्रमशील ग्रामीण होते हैं, जो अधिक परिश्रम करते हैं, वह ग्रामीण धन्य धान्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धन धान्य उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक को उपकरणां सहायेन इदानी कृषि व्यवसाय लाभप्रद सज्जात, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से, वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यवसाय और लाभप्रद हो गया है। आगे देखते हैं ग्राम पथिकानाम गोपालानाम च संगीतेन हृदय प्रसन्न भवति, गांव में पथिकों यानी कि जो आने जाने वाले होते हैं, उन पथिकों का और गोपालकों का जो वहां गाय आदि चराते हैं, वह संगीत से उनका हृदय प्रसन्न होता है। ठीक, वृक्षः निस्वार्थमेव फलम छाया च प्रयच्छति, यानी वृक्ष, वहां के वृक्ष जो हैं वह निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। ग्रामे शुक कपोत मयूर कोकिल आदि पक्षिणः कुंजति, यानी गांव में तोते हंस मोर और कोयल आदि जो पक्षी होते हैं वह कूंचते हैं, उनकी आवाजें हमें हमेशा सुनाई देती हैं। अश्व गौ महीष मेषादयः पशवचा चरन्ति, अश्व माने घोड़ा, गाय भैंस मेष बकरी आदि जो हैं वह वहां पर चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनस्य अल्प व्यय साध्य भवति, गांव के मनोरंजन बहुत कम खर्चीला होता है। ठीक है, गांव का मनोरंजन कम खर्चीला होता है, यानी कि वो अपने घूमने फिरने में ही अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। आगे है धूल धूसरितः बालकः विविधा क्रीणां कुर्वन्ति, धूल धूसरित बालक विविध खेल खेलते हैं, यानी बच्चे वहाँ धूल मिट्टी में अच्छे से खेल लेते हैं। जीवन रक्षणार्थ अत्यंत उपयोगिनः, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जलादिकः, वायु
और जल आदि जो होते हैं, गामेषु प्रचुर यथा लभन्ते, आदि गांव में प्रचुर मात्रा में होते हैं, तथा न नगरेषु, वैसा नगरों में नहीं होता है। ग्राम्य जीवनम सदाचारः संपन्न धार्मिकः च भवति, गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनः मनासि निर्मलानि भवति, गांव का मन, गांव में रहने वाले सभी ग्रामीणों का मन निर्मल होता है। तत्रयम् वातावरणम् स्वच्छम् भवति, वहां का वातावरण कैसा होता है? स्वच्छम्, स्वच्छ होता है, भवति माने होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम् शिक्षालय, चिकित्सालय आदिनाम् सौविध्यम् नासीत, यानी कि प्राचीन काल में गांव में शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की वैसी सुविधा नासीत, माने नहीं थी, यथा आद्य अस्ति, जैसी कि आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु, इसीलिए आजकल गांव में सकलानि साधनानि आदि उपलब्धानि, सारे साधन जो हैं वे उपलब्ध हो जाएं, भवेत् भवेयु तर्हि ग्राम्य जीवन इतो अपि सुकरम सुखकरम च भवति, यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि आजकल गांव में सारे साधन उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन इससे भी सरल और सुखकर हो जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उससे भी सरल और सुखकर हो जाएगा। तदर्थ ग्रामः निवासी भी संभूय प्रयत्नम विदेह, इसके लिए गांव के जो जितने भी निवासी हैं उनके द्वारा एक होकर के प्रयत्न किया जाना चाहिए, यानी कि सभी जब प्रयास करेंगे तभी गांव का जीवन और ही अधिक सुखी और सरल बन जाएगा। तो बच्चों, पाठ यहां समाप्त हो जाता है। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।